यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनों का चलाने का फैसला लिया है। इनके लिए रेलवे 10 सितंबर से टिकटों का रिजर्वेशन शुरू कर रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस समय रेलवे करीब 230 विशेष गाड़ियों का परिचालन कर रही है। इसके अलावा 80 नई विशेष ट्रेनें यानी 40 जोड़ी ट्रेनें 12 सितंबर से शुरू होंगी। इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से आरंभ होगा। ये ट्रेनें पहले से ही चल रही हैं, 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 13 जोड़ी ट्रेनें पूर्वोत्तर के स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों में चौरी चौरा एक्सप्रेस, कृषक एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं। CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि COVID-19 महामारी के कारण रेल यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। शारीरिक दूरी और स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। वातानुकूलित कोचों में चादर, तकिए, कंबल आदि देना बंद कर दिया गया है। यात्रियों को स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच के बाद ही जाने दिया जाएगा। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक कुल 230 विशेष गाड़ियां चल रही हैं पूरे भारतीय रेलवे पर, लेकिन लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने 80 और ट्रेनों, नई ट्रेनों का, अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का चलाने का घोषणा किया है, जिनमें से कुल 7 जोड़ी गाड़ियां ऐसी हैं, यानी कि 14 गाड़ियां जो पूर्वोत्तर रेलवे से या तो आरम्भ हो रही हैं या फिर यहाँ पर टर्मिनेट हो रही हैं, और 6 जोड़ी यानी कि 12 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से होकर गुजर रही हैं। तो कुल 13 जोड़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से या यहाँ से होकर गुजर रही हैं, जिसमें से अगर मैं महत्वपूर्ण गाड़ियों की बात करूँ तो गोरखपुर से जाने वाली गाड़ी में चौरी चौरा एक्सप्रेस है, कृषक एक्सप्रेस है, हमसफ़र एक्सप्रेस है और गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस है। इसके अलावा 059 जो अप डाउन गाड़ी है, जो अवध आसाम के नाम से जिसको लोग जानते हैं, डिब्रूगढ़ लालगढ़ विशेष गाड़ी, ये दैनिक ट्रेन है जो कि गोरखपुर से होकर जाएगी। अगर मैं बात करूं लखनऊ से तो स्वर्ण शताब्दी शुरू हो रही है वहां से, और मड़ुआडी ग्वालियर बुंदेलखंड विशेष गाड़ी भी शुरू हो रही है। तो कुल 13 जोड़ी गाड़ियाँ हैं, 7 जोड़ी जो पूर्वोत्तर रेलवे से प्रस्थान या समाप्त होंगी, और 6 जोड़ी ऐसी हैं जो कि यहाँ से होकर जाएंगी। इन गाड़ियों के सभी कोच आरक्षित रहेंगे, तो वही यात्री इन ट्रेनों में यात्रा कर पाएंगे जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। तो कंफर्म टिकट का होना अनिवार्य है। जो गाइडलाइंस पहले दी गई थी इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए, जो विशेष ट्रेनें हैं, वो गाइडलाइन इसके लिए भी मान्य है, जैसे कि आपको मास्क लगाना है यात्रा के दौरान, सामाजिक दूरी का पालन करना है, आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, अगर आप एसी में ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने साथ चादर, कंबल जो भी जैसी आवश्यकता हो लेकर चलें, क्योंकि रेलवे चादर कंबल नहीं प्रोवाइड कर रहा है, पर्दे हटा दिए गए हैं एसी ट्रेनों में, और 90 मिनट पहले पहुँचें, जिससे कि जो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग है और वो सारी चीज़ें जो एक नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जा सकें। सर, ट्रेनों में यात्रा करने के लिए टिकट कब से शुरू हो गई है? सर, 12 तारीख से इन ट्रेनों को चलाया जाना है, इसके लिए टिकट 10 तारीख से मिलना शुरू होगा, 10 सितंबर से।